So, दोस्तों जिस समय का हम सब काफी दिनों से वेट कर रहे थे वो समय अब आ चुका है, जो कि फ्लिपकार्ट या फिर अमेजन हो गया, इस सभी ई कॉमर्स वेबसाइट पर काफी तगड़ा सेल चल रहा है, जो कि अमेजन का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल हो गया या फिर फ्लिपकार्ट का बीबीडी सेल हो गया। इन सभी सेल को हम काफी दिनों से वेट कर रहे थे और अब ये सेल आ चुकी है। तो इन सभी सेल में हम यूजुअली स्मार्टफोन को परचेस करने के लिए वेट कर रहे होते हैं, और इसी साल जो सेल चल रहा है इसमें स्मार्टफोन में काफ़ी तगड़ा एक डिस्काउंट सभी स्मार्टफोन में देखने को मिल रहा है। सो आज के इस वीडियो में हम कुछ स्मार्टफोन के बारे में देखने वाले हैं, जो कि उसका यूजुअल प्राइस से काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस में देखने को मिल रहा है। और इसी पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमेजन ग्रेट इंडिया फेस्टिवल सेल के बारे में। इसी सेल में कौन कौन से स्मार्टफोन बहुत सारे डिस्काउंट के साथ हम परचेस कर सकते हैं और कौन कौन से स्मार्टफोन को हम चेकआउट कर सकते हैं, ये भी इसी वीडियो में देखेंगे। सो वीडियो को आगे तक देखते रहिए। सो पहले बात कर लेते हैं सैमसंग की तरफ से जो M32 है इसी स्मार्टफोन के बारे में। सैमसंग की तरफ से ये जो स्मार्टफोन है M32, ये यूजुअली 699 पर लॉन्च हुआ था और अब ये डिस्काउंट 4,500 रुपीज़ डिस्काउंट होकर ये अभी हमको 12,500 में देखने को मिल जाएगा। सैमसंग गैलेक्सी M32 में टोटल 4,500 का एक डिस्काउंट प्राइस देखने को मिल रहा है, और ये अप्लाई होने के बाद ये 12,500 पर स्मार्टफोन अवेलेबल हो रहा है। और इसके यूजुअल प्राइस के बारे में बात करें तो जो कि लॉन्च प्राइस था वो 16,990 रुपीज़ था, और उसमें से 4,500 अगर हम माइनस कर देते हैं तो ये 12,500 में मिल रहा है। और इसी फ़ोन की एक ज़बरदस्त फीचर्स ये है कि इसी स्मार्टफोन में हमको 6,000 mAh की एक पावरफुल बैटरी देखने को मिल जाता है। और इसी फ़ोन के कुछ हाईलाइटेड फीचर्स के बारे में बात करें तो इसमें 64 MP क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ, और 20 MP फ्रंट कैमरा भी देखने को मिल जाता है। और दोस्तों अगर आपके पास HDFC बैंक डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड है तो फिर आप इसे और भी डिस्काउंटेड प्राइस में ले सकते हो। और दोस्तों अगर आपके पास HDFC बैंक का जो भी डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड है तो आप इसे स्मार्टफोन को और भी कम दाम में परचेस कर सकते हो, क्योंकि इसमें इंस्टेंट 10% डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं आईफोन 11 के बारे में, तो ये अराउंड 38,000 टू 39,000 के अंदर देखने को मिल जाएगा इसी अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में। और इसका जो बेस प्राइस है जो कि प्रीवियस प्राइस था ये अराउंड 49 या फिर 50,000 में था, जो कि डिस्काउंट होकर 38,000 टू 39,000 में देखने को मिल रहा है। और इसी स्मार्टफोन के बारे में बात करें तो ये वन ऑफ बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन रहा है आईफोन की तरफ से, और ये इंडिया में भी काफ़ी चला था, बहुत क्रेज़ था इसी स्मार्टफोन के बारे में। और ये स्मार्टफोन में बहुत सारे ज़बरदस्त फीचर्स भी हैं, जैसे कि ये 13 बायोनिक चिप देखने को मिल जाता है, वाटर रेजिस्टेंस देखने को मिल जाता है, और इसी स्मार्टफोन में काफ़ी अच्छा डुअल कैमरा सिस्टम भी देखने को मिल जाता है। सो दोस्तों डेफिनेटली चेकआउट करने लायक होगा, क्योंकि इसमें और भी कई डिस्काउंट्स देखने को मिल जाएगा, जैसे कि HDFC बैंक की तरफ से डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड में 10% इंस्टेंट डिस्काउंट हो गया, या फिर ओल्ड स्मार्टफोन को एक्सचेंज करके और भी कुछ प्राइस कट कर सकते हैं, या फिर नो कॉस्ट EMI हो गया, या फिर 6 मंथ स्क्रीन रिप्लेसमेंट, यही कुछ ऑफर्स वगैरह देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों नेक्स्ट आईफोन के बारे में बात करें तो आईफोन XR जो कि 32,999 के अंदर भी देखने को मिल जाएगा, और ये स्मार्टफोन भी काफ़ी अच्छा है, आप लोग इसे भी डेफिनेटली चेक कर सकते हो। अगेन इसमें भी वही सब वही ऑफर्स अप्लाई हो जाएंगे, जो कि HDFC क्रेडिट या डेबिट कार्ड से 10% डिस्काउंट हो गया, या फिर नो कॉस्ट EMI, वो सभी ऑफर्स इसमें भी अप्लाई हो जाएंगे, सो इसे भी चेक कर सकते हो। और दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं सैमसंग की फ्लैक्सिबल लेवल का स्मार्टफोन जो कि S21 FE 5G है, इसी स्मार्टफोन के बारे में। ये स्मार्टफोन भी काफ़ी तगड़ा डिस्काउंट प्राइस के साथ हमको देखने को मिल जाता है। और इस स्मार्टफोन के कुछ फीचर्स के बारे में बात करें तो इसी स्मार्टफोन में हमको स्नैपड्रैगन 865 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, और IP रेटिंग भी देखने को मिल जाता है, जो कि 68 IPX वाटर और डस्ट रेजिस्टेंस है। और इसी स्मार्टफोन में हमको 1 TB तक का एक्सपेंडेबल मेमोरी देखने को मिल जाएगा, और ये स्मार्टफोन 120Hz
फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ भी देखने को मिल जाएगा। यस गाइस, ये फ्लैक्सिप लेवल का ही स्मार्टफोन है और ये सैमसंग की तरफ से फ्लैक्सिप स्मार्टफोन भी कहा जाएगा, सो इसे आप डेफिनेटली चेक कर सकते हो। अमेजन ग्रेट इंडियन सेल चल रहा हो और इसमें वन प्लस का स्मार्टफोन डिस्काउंटेड प्राइस पर ना हो, ये तो कभी हो नहीं सकता। सो नेक्स्ट बात करते हैं वन प्लस 9R 5G के बारे में। 9R 5G जो कि वन प्लस 9R का एक छोटा वेरिएंट है, वो भी हमको ये भी अमेजॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सीजन में देखने को मिल जाएगा काफ़ी डिस्काउंट के साथ। और इसके प्रीवियस प्राइस के बारे में बात करें तो 39999 था और ये अभी डिस्काउंटेड प्राइस में 36,999 रुपीज़ पर मिल रहा है। और इसमें भी 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट डेबिट या क्रेडिट कार्ड जो कि HDFC बैंक का होना चाहिए इसमें भी देखने को मिल जाएगा। एक्स्ट्रा ऑफ ऑन एक्सचेंज 2-4,000 एक्स्ट्रा ऑफ ऑन एक्सचेंज ओल्ड स्मार्टफोन में भी देखने को मिल जाएगा और ये नो कॉस्ट EMI पर भी अवेलेबल है और इसमें और भी कई ऑफर्स अप्लाई हो जाएंगे। सो इसके कुछ फीचर्स के बारे में बात करें तो इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर जो कि एक काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है ये देखने को मिल जाता है। 48 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा देखने को मिल जाता है। और इसकी डिस्प्ले के बारे में बात करें तो फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले जो कि 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिल जाता है। और इसमें एक फास्ट चार्जर भी देखने को मिल जाएगा जो कि 65W रैप चार्जर कहा जाता है। सो ये स्मार्टफोन भी काफ़ी अच्छा है दोस्तों, इसे भी आप लोग चेक कर सकते हो। और नेक्स्ट बात करते हैं वन प्लस नॉट 2 के बारे में। यस, हम सभी का फेवरेट स्मार्टफोन वन प्लस नॉट 2 में भी हमको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। वन प्लस 9R 5G के बाद वन प्लस नॉट 2 भी हमको इसी अमेजन ग्रेट इंडिया फेस्टिवल सेल में काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पर देखने को मिल जाएगा। और इसी स्मार्टफोन में भी सभी ऑफर अप्लाई हो जाएंगे जैसे कि HDFC बैंक कार्ड्स पे 10% डिस्काउंट हो गया या फिर एक्सचेंज ऑफर हो गया या फिर नो कॉस्ट EMI और भी कई ऑफर्स अप्लाई हो जाएंगे। और एक खास बात है इसी स्मार्टफोन की जो कि है 12GB रैम वेरियंट में एक्स्ट्रा 1000 रुपीज़ ऑफ देखने को मिल जाता है जो कि एक बहुत अच्छा डील हो सकता है। और इसकी जो डिस्काउंटेड प्राइस है उसके बारे में बात करें तो ये 29999 के अंदर देखने को मिल जाएगा जो कि HDFC बैंक डेबिट या क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करके ये 26-27,000 के अंदर हमको मिल जाएगा। और इसी स्मार्टफोन के कुछ फीचर्स के बारे में बात करें तो इसमें 50 मेगापिक्सल का AI कैमरा देखने को मिल जाता है और डायमेंसिटी 1200 भी देखने को मिल जाता है जो कि MediaTek का है। और ये स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर चुका है, हम सब देख ही चुके हैं कि ये स्मार्टफोन बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है, सो इसे आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि वो भी इसी सेल का फायदा उठा सके।